दोस्तों, अगर आप ड्रीम इलेवन में फर्स्ट रैंक आना चाहते हैं तो आप अपने टीम को बनाने में यह 5 गलतियां मत करिएगा। और बहुत सारे लोग यही गलतियां करते हैं और लास्ट का मोमेंट में यही कहते, ये भगवान अब मेरा 49 रुपये का एंट्री आ जाए, उतना में मेरा कॉपी हो जाए, मैं अगले मैच में लगा सकूं। नंबर वन, कभी भी आप जीएल टीम खेलते हैं तो एक टीम से मत खेलेगा, मिनिमम आपका 2 टीम होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 4 से 5 टीम होना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दूं, 2 बंदे ड्रीम इलेवन खेल रहे हैं, एक बंदा ने एक टीम से 49 रुपये लगाए, दूसरा बंदा 10 टीम लगाए, अब वही 10 बंदा 10 कैप्टन बना के जाएगा और आपका टीम एक कैप्टन रहेगा जो 90% लोगों ने बना के रखा हुआ है, तो अगर वो 90% वाला आपका आउट हो जाएगा तो वहीं पर आपका ड्रीम इलेवन का सपना चूर हो जाएगा और वही 10 टीम वाला जो बना के जाएगा जीएल में उसका टीम रैंक कर जाएगा, कैप्टन मिल जाएगा और प्लेयर मिल जाएंगे, तो ड्रीम इलेवन चेंजर बन सकता है। तो इसलिए आप कभी भी जीएल खेलिए तो एक टीम से नहीं, लगभग 5 से 6 टीम खेलिए। नंबर 2, सबसे ज्यादा गलतियां करने वाला कप्तान एंड उप कप्तान किसको बनाए। अगर आप सेफ टीम प्लेयर को कप्तान एंड उप कप्तान बनाते हैं तो आपका रिसेंटली परफॉर्मेंस देखकर आपको बनाना है और आपको 5 से 10% वालों को अपने जीएल टीम में कैप्टन बना के जाना है। नंबर 3, ड्रीम इलेवन में उस प्लेयर को सिलेक्शन करना है जिसका प्लेयर परसेंटेज 25 से 30% है, उसको अपने 3 से 4 प्लेयर ड्रीम इलेवन में रखना है। नंबर 4, पिच रिपोर्ट देखकर अपने टीम में प्लेयर का सिलेक्शन करिए। मान लीजिए इंडिया अगर बैटिंग करती है तो उस पिच में बैटिंग हो जाएगी, अगर इंडिया बॉलिंग करती है तो बॉलिंग हो जाएगी, चाहे अफगानिस्तान बैटिंग करती है तो उसमें आपका बैटिंग हो जाएगा पिच, और आपको बॉलिंग करती है तो आपका बॉलिंग का पिच होगा। नंबर 5, बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते हैं कि अपने ड्रीम टीम में बॉलर लेकर जाना है, बैटर लेकर जाना है, ऑलराउंडर लेकर जाना है। अभी तक वर्ल्ड कप में 80% में से सबसे ज्यादा 5 से 6 बॉलर गए हैं और आप टीम में देख सकते हैं, सबसे ज्यादा अगर आपको विनिंग करना है तो आपको 80% में से आपको कम से कम 5 से 6 बॉलर लेकर जाना है, तब आप ड्रीम इलेवन में जीत सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।